नमस्कार, इंडोटैप न्यूज में आपका स्वागत है। प्रथम आगमन पर वीरेंद्र कुमार पाठक उर्फ टुनटुन जी का विभिन्न जगहों पर भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में वीरेंद्र कुमार पाठक उर्फ टून जी का विभिन्न जगहों पर भव्य स्वागत। और टून जी बोले कि पिछले 25 वर्षों से आऊँ और प्रत्येक वर्ष गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम और वनवासी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। सन 2014 में जब मैं बसपा में शामिल होकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मुझे वहाँ घर जैसी आत्मीयता का आभास नहीं हुआ था। मुझे वहाँ एक किराएदार जैसे रहते थे, वैसा ही आवास लग रहा था। लेकिन आज जब मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने घर वापसी की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार बलिया में पहुँचने पर वीरेंद्र कुमार पाठक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जबरदस्त स्वागत और अभिनंदन किया। वीरेंद्र कुमार पाठक पिछले 16 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार बलिया पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर फूल माला से जोरदार स्वागत किया। योगी जी के जो कार्यों को जैसा देश के लिए और प्रदेश के लिए उन्होंने किया, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। गरीब तबके के लिए जो कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, विदेश नीति इतनी अच्छी इन लोगों की, इनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया ताकि समाज के लिए कुछ कर सके। गरीबों का काम करेगी, लेकिन वहाँ दूसरे ही तरह का देखिए, केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सरकार के कार्यों से लोग खुश होकर प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, परिवार में आ रहे हैं। हमें खुशी हो रही है और हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए, आज जनपद में जो भी राजनीतिक परिवार, एक बड़े परिवार भी रहे हैं, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से ये सब तो एक आगाज है, अंजाम तो आप देखेंगे ही। जनपद के सभी सीटें जिस तरह से राजनीतिक परिवार, राजनीतिक लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि बलिया जनपद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। अभी पार्टी की एक यात्रा निकली थी, उस यात्रा का जिस तरह से जनपद के लोगों ने स्वागत किया, अपना समर्थन दिया, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में जनपद की इस बार सातों की सातों विधानसभा सीट जीतेगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ।